आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉय खबर। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। दिनांक 12 दिसंबर 2019 को यहाँ पर फरीदाबाद नई दिल्ली में पेंशन धारकों की एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर हुई है, जो कि माननीय कमांडर अशोक राउत जी के यहाँ पर निर्देशक में सम्पन्न हुई, जिसमें श्री वीरेंद्र सिंह राष्ट्रीय महासचिव NSE, श्री रणजीत सिंह दंसूदी जो कि मुख्य समन्वयक है उत्तर भारत से, और साथ ही यहाँ पर वरिष्ठ नेता NSE के श्री HPS ओबेराय व श्री देव शर्मा जी भी यहां पर जो है समावेश संबोधित हुए थे। दिनांक 25/1/2020 तक जो मांगों को पूर्ण नहीं किया जाए तो उसके बाद जो है आंदोलन को किस तरह से यहां पर रूपरेखा देनी है, क्योंकि यहां पर जो पेंशन धारकों की ओर से अभी तक जो है काफ़ी प्रयास यहां पर अपनी पेंशन बढ़ोतरी के लिए किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो नेता लोग हैं उनको जो है सभी लोगों ने यहाँ पर जो है कमेंट्स में धन्यवाद भी दिया है। इनके अथक प्रयासों के बाद भी यहाँ पर जो है अगर सरकार इनकी मांगें नहीं मानती है, इनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आगे आंदोलन का क्या स्वरूप होगा, इसका जो है विचार करने के लिए यहाँ पर जो है बैठक बुलाई गई थी। साथ ही यहाँ पर जो है हर एक तरीकों से अभी तक जो है आंदोलन हो चुकी है, देश के जो यहाँ पर वृद्ध पेंशन धारक है, वृद्ध पेंशन नागरिक है जो कि 60 से 80 वर्ष के जो बुजुर्ग पेंशन धारक है उनके द्वारा यहाँ पर दिल्ली गेट से लेकर PME ऑफिस तक यहाँ पर अष्टंग प्रणाम दंडवत प्रणाम का भी आंदोलन यहाँ पर जो है आपने यहाँ पर देखा ही होगा, जो कि 6 तारीख को यहाँ पर पेंशन धारकों के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री ऑफिस तक जाकर यहाँ पर जो है उन्हें ज्ञापन भी सौंपा है। अब यह भी जो है सवाल नहीं रहेगा कि PME ऑफिस तक जो है खबर नहीं गई, क्योंकि PME ऑफिस में जाकर खुद यहाँ पर पेंशन धारकों ने राज्य मंत्री को अपना जो है ज्ञापन सौंपा है अपनी मांगों को लेकर जो भी समस्या है उनके स्वरूप, तो यहाँ पर PMO तक जो है खबरें भी पहुँच चुकी है। तो अवधि अब यहाँ पर जो है 25 जनवरी तक यदि PMO की तरफ से या EPFO की तरफ से या सरकार की तरफ से कहे यदि कुछ निष्कर्ष निकल कर नहीं आता है तो आगे जो है किस तरह की रूपरेखा और किस तरह की तैयारी यहाँ पर जो है पेंशन धारक को करनी होगी, क्या कुछ बड़ा कदम उठाना होगा, इसी को लेकर यहाँ पर जो है बैठक हुई थी। तो इस बैठक में अभी कुछ ऐसा निर्णय कड़ा निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि 25/1/2020 तक यदि मांगें पूर्ण नहीं होती है तो आंदोलन को अधिक तीव्र करने के लिए यहाँ पर सभी लोगों ने संकल्प लिया है। तो यहाँ पर जो है यही खबरें जो है वीडियोस आप तक पहुंचाने थे। ये खबर, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी से जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।